एतराज ऐसे नहीं कर, आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी है, मुझे खुदा के लिए अपने दिल से मत निकाल। हर बात का एक वक्त होता है अनम, तुम्हारी मोहब्बत का वक्त गुजर चुका, तुमने हमेशा मेरी जिंदगी में जहर ही घोला है। ना तुमने अपने शरीफ बाप को माफ किया और ना ही मुझे। तुम मेरी जिंदगी से निकल चुकी हो। चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। ख्वाहिशें हैं साजिशें सवाल करेंगी, तेरी खुदी को बेच के वबाल करेंगी। लगती नहीं मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं। बंदिया बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। बंदिया बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। तू झला कमला निमाड़ा किस गलदा पंगा तू पड़ाए। अच्छा कर रही हो अम्मा, खुद ही जा रही, मेरे कहने की नौबत ही नहीं आ रही। बाकी सामान भी जल्दी उठा लूंगी, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आफरीन है अम्मा, वैसे मर के भी तुम ये घर ना छोड़ते, लेकिन शाकिर और राहत की मोहब्बत में ये कुर्बानी भी दे दी। माएँ तो अपनी औलाद के लिए हमेशा कुर्बानी देती, हमारे लिए तो कभी नहीं दी ऐसी कुर्बानी कोई भी। अल्लाह की तरह माँ को भी हमेशा अपनी फरमा बरदार औलाद ही अच्छी लगती। तुम जैसी औलाद के लिए तो दिल से बद्दुआएं निकलती, अल्लाह ही तुम्हें माफ करेगा। ठीक है अम्मा जाओ, तुम शुरू हो गई तुम्हारी फजूल बातें। अम्मा आ जाए, नाश्ता कर लें। अनम कहाँ है? अब मेरे ख्याल से वो अपने घर चली गई। चलो अच्छा है, वो अपने घर में ही रहे, पता नहीं फराज उसको रखना चाहेगा या नहीं। अम्मा अब उसकी फिक्र छोड़ें, नाश्ता करें। अम्मा किधर है? अम्मा वालेकुम, कहाँ चली? वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ चले गए थे? घर भी तो खाली करना था, शगुफ्ता सारा सामान घर से बाहर फेंक देते। अम्मा आपने हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दी है, अगर आप अपना घर बदले में ना देते तो शगुफ्ता ने तो हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया था। मेरा भी तो सब कुछ तुम्ही लोगों का है ना, तुम तो इसी बात का है कि शाकिर ये सदमा लिए इस दुनिया से चला गया। काश के वो देख सकता कि उसकी माँ उसके लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार थी। मैंने
हमें इस घर को संवारने के क्या क्या ख्वाब बने थे, मगर आज मैं यहाँ से बेदारी गई और अब तुम मेरी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं। कहाँ जाऊँ मैं?